हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका चैनल बीएसबीएम का। फिर से इस वीडियो में हम हिंदी के साइंस स्ट्रीम के बच्चों की जो आज परीक्षा हुई है, आज यानी कि 14 फरवरी 2018 को जो 50 मार्क्स की हिंदी की परीक्षा हुई है, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हम जल्द ही इंग्लिश के 50 मार्क्स का वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और चलिए शुरू करते हैं बिना कोई वक्त गवाए हुए। पहला जो क्वेश्चन है उसका है, कथा सम्राट प्रेमचंद का जन्म स्थान कहाँ है? तो प्रेमचंद का जो जन्म स्थान है वो, ये काफ़ी विवादास्पद इसका ऑप्शन दिया हुआ है, वाराणसी के लम्ही में हुआ था इनका जन्म। तो दोनों ऑप्शन सही हो सकता है। अब इस ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पे वो कौन सा सही टिक करते हैं। तो इसका जो प्रॉपर आंसर अभी के लिए है वो डी होगा, क्योंकि लम्ही एग्जैक्ट लोकेशन है, वाराणसी में लम्ही है तो लम्ही एग्जैक्ट लोकेशन है। वैसे सी भी सही हो सकता है। दो में देखें, रामप्रीक्ष मणिपुर की रचना कौन सी है? तो मंगर है रामप्रीक्ष बेनपुरी की रचना। तीन में जीवन का झरना को कौन लिखा है? तो इसको आरसी प्रसाद जी ने लिखा है। चार में कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो रामप्रीक्ष बेनीपुरी को बोला जाता है। उसके बाद पाँच में कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर के रचनाकार कौन है? तो हरि प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ये छः में जो पंक्ति दी गई है कि आज खाए और कल के झखे, ताके गोरख संग न रखे, ये जो लाइन है ये मंगर से लिया गया है। उसके बाद सेवन में देखें तो भारत की आत्मा कहाँ निवास करती है? गाँवों में निवास करती है, ए आंसर होगा इसका। रहीम किस राजा के दरबारी थे? तो अकबर के दरबारी थे। नाइन में गौरा की लेखिका कौन है? तो माधवी वर्मा है। 10 में बेटा खुद से डरो, पंच ना किसी के दोस्त होते हैं ना किसी के दुश्मन, ये काफ़ी आसान है, किसी ने चैप्टर पढ़ा भी नहीं होगा, फिर भी पंच इसमें वर्ड है तो पंच परमेश्वर टिक कर सकता है वो। तो 10 का डी आंसर हो जाएगा। फिर 11 में आते हैं तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं संज्ञा के, सी आंसर इसका सही होगा। सर्वनाम के अगर भेद पूछा जाए तो इसमें 6 ऑप्शन होगा इसका, 6 डी आंसर होगा इसमें। 13 में वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं वाक्य के। उसके बाद 14 में क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं, कर्मक सकर्मक। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि वाक्य का अर्थ के आधार पर अलग भेद होता है, फिर उसके बाद दूसरे तरफ के आधार पर वर्गीकरण जो होता है वो अलग अलग प्रकार पर होता है। इसमें वर्गीकरण स्पष्ट नहीं किया गया है, तो और भी ऑप्शन सही हो सकते हैं इसमें। फिलहाल हम सी इसका जो ऑप्शन है वो मेन ऑप्शन, संयुक्त मिश्रित वाक्य, इसका 3 जो वाक्य के भेद हैं वो सही होगा। सिर्फ 13 का सी है। तो 15 में आते हैं तो जी शब्द का लिंग निर्णय अगर हमको करना है, तो ये जी शब्द पुल्लिंग है, शिक्षा शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए 16 में बी होगा। 17 में बात करें तो अवश्य का आवश्यक होगा, सी आंसर होगा। 18 में नीति का नैतिक होगा, इसका भी सी आंसर होगा। लिंग के भेद 2 हैं। 19 की अगर बात करें तो लिंग के कितने भेद हैं? तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, अब उभय लिंग भी होता है लेकिन इसमें 3 तो ऑप्शन है नहीं, इसलिए 2 ही बेटर है ऑप्शन। 20 में देखें तो वचन के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। जिनको 3 में कन्फ्यूजन हो रहा था उनको एक बार वो ज्ञात कर लें कि वो हिंदी का परीक्षा दे रहे हैं, हिंदी में 2 ही होता है, संस्कृत में 3 होता है। द्विवचन जो होता है वो संस्कृत में होता है, हिंदी में 2 ही होता है, स्त्रीलिंग और एकवचन और द्वि एकवचन और बहुवचन। उसके बाद 21 में हम देखें गृह शब्द का सन्निविच्छेद क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो डी आंसर होगा। 22 में आविष्कार का सन्निविच्छेद क्या होगा, तो इसका जो सी आंसर होगा, क्योंकि इसमें विसर्ग के चलते ही संधि हो रही है यहाँ पे, यहाँ पे हर्षिकार से कोई मतलब नहीं है, तो जो हर्षिकार शब्द में है वही हर्षिकार यहाँ ऑप्शन में भी होना चाहिए, इसलिए सी आंसर होगा 22 में। 23 में हाथ खींचना का मतलब होता है अलग होना, उसने इस प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिया मतलब वो इस प्रोजेक्ट से अलग हो गया। 24 में सचिव शब्द का विलोम क्या होगा, तो निर्जीव होगा। आकाश शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है तो नब होगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। इंग्लिश को इंग्लिश का 50 मार्क्स का जल्दी अपलोड कर रहे हैं हम, तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को ताकि जल्द से जल्द आपको वो वीडियो मिल सके।